Good morning everyone today we are going to see the story of book panchatantra the tiger and the traveler but before that how we can prevent ourselves from corona first we have to wear mask whenever we are going outside second wash your hands or sanitize your hands thoroughly on frequent basis. And third is we are supposed to follow social distancing whenever we are going outside. Now I'm reading the story and explain. A tiger टू ओल्ड टू हंट एक टाइगर था जो बहुत बूढ़ा था अब वो हंट नहीं कर पाता था वॉज फीलिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ वो अपने आप के लिए बहुत सॉरी फील कर रहा था बुरा फील कर रहा था वाई देर वॉज अ

He could not see far. उसके आईज भी बहुत वीक हो चुके थे वो बहुत दूर का नहीं देख पा रहा था वो सोच रहा था की okay? so, मुझे डेथ ऐसे ही आएंगे मैं बिना खाए भूके ही मर जाऊंगा ही स्लोली वॉक अलोंग द साइड ऑफ अन आफ्टरनून एक दिन वो पुल के अलोंग साइड के साइड में अकेले वॉक कर रहा था सोच रहा था नथिंग टू ईट सिंस मॉर्निंग सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था भूखा था बेचारा सडनली ही सॉ समथिंग शाइनिंग इन द मर्थ उसने सडनली क्या देखा अचानक से देखा कि मिट्टी में कुछ चमक रहा है ही वेंट क्लोजर एंड फाउंड दैट इट वाज अ गोल्ड बैंगल वो पास गया और उसने क्या देखा वो एक सोने की बैंगल है सोने की चूड़ी है He was about to turn away when he remember he was just thinking कि मुझे क्या करना और घूम रहा था तब उसे याद आया that human beings बर हाउ टेस्टी ह्यूमन बीन्स वर और उसे ये भी याद था कि उसने पहले ह्यूमन बीन्स को खाया और वो कितने टेस्टी लगते हैं कुछ

साथ में अपने डैन में रख दी ही sat quietly by the pool waiting for a human being to pass by soon he saw a man walking along with a bundle on his back वो quietly बैठ के अब पूल के साइड में कि कौन सा ह्यूमन बीन आएगा और मैं देखता हूँ अब क्या हो सकता है तो उसने देखा कि एक आदमी अपने कंधे पे एक बंडल लेके आ रहा है देखो ये आदमी he looked

अलग टाइगर हूँ डिफरेंट हूँ सब टाइगर्स से इन डेट सेट द ट्रैवलर ट्रैवलर तभी भी कहता है टाइगर तो टाइगर ही है ना बिलीव मी आई एम आई आई केम अक्रॉस अ साधु सम टाइम अगो कुछ अब ये टाइगर बता रहा है कुछ टाइम पहले एक साधु मेरे मुझे मिले थे ही टोल मी टू गिव अप किलिंग उन्होंने मुझे बोला कि आप ये

आई कैन नॉट ईट यू इवन इफ आई वॉन्टेड मैं तुम्हें खाना चाहूँ तो भी नहीं खा सकता द ट्रेवलर ग्रीड फॉर द गोल वॉज मोर देन इज फीयर ऑफ द टाइगर वो ट्रावलर की भूख ग्रीड उसका हंगर इतना था गोल्ड के लिए कि वो टाइगर के फीयर से भी ज़्यादा था ही सेड वेरी वेल आई शेल वैंड अक्रॉस द पूल एंड गेट द बैंगल फ्रॉम यू अब वो कहते हैं ठीक है बहुत अच्छे मैं पानी वैंड वॉक थ्रू द वॉटर पानी में वॉक करना और मैं तुमसे गोल बांगल लेता हूँ द ट्रेवलर डि नॉट नो दैट द पुल वॉज फुल ऑफ मड ट्रेवलर को ये नहीं पता था कि वो पुल फुल ऑफ मड से है उसमें पूरा मिट्टी भरा हुआ है ही गॉट स्टक इन द मड एज सुन एज ही स्टेप इन जैसे ही उसने अंदर पैर डाला वो मिट्टी में उसके पैर गड़ गए और वो फंस गया द टाइगर सॉ हिम एंड बर्स्ट आउट ऑफ लाफ्टर टाइगर ने देखा और बहुत खुशी के मारे हंसने लग गया जोजो जो से वेट देर ही सेट बेरिंग हिज टी अपने तीत को बेर करते हुए रेडी करते हुए आई विल कम एंड हेल्प यू वो टाइगर कहता है मैं आ रहा हूँ तुम्हें हेल्प करने द टाइगर पाउंस ऑन द ट्रैवलर एंड हैड अ गुड फीड ट्रैवलर के ऊपर पाउंस किया टाइगर ने और उसे अच्छे से खा लिया और टाइगर को मजा आ गया ही kept द बैंगल इन अ सेफ प्लेस टू कैच another greedy ग्रीडी मैन फॉर next नेक्स्ट मील टाइगर ने वो बैंगल दोबारा रखी और नेक्स्ट ग्रीडी मैन के लिए पकड़ने के लिए तो हमें इससे क्या मॉरल मिला स्टोरी से कि हमें अपनी ग्रीड के ग्रीडी नहीं होना हमें सोच समझ के डिसीजन लेना है